नमस्कार, हम सब साथी यूक्रेन में हैं और हम रशिया आर्मी में फंस चुके हैं। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, अब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हमारे पास कोई अपडेट आई है। हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा लिया जाए। हम फ्रंट लाइन पर पिछले 10 दिनों से थे और वहाँ पर 10 दिन की ड्यूटी दे के आए हैं। वहाँ पर आगे बहुत ज्यादा खतरा है, हो सकता है कि अगली बार हम फ्रंट लाइन पर जाए तो हमारी लाशें भी आप सबको ना मिले। हमको 2-3 दिन के रेस्ट के लिए भेजा गया है और फिर हम दोबारा फ्रंट लाइन पे जाएंगे। हम सब साथी भारत सरकार और अपनी इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दिया जाए, वरना हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। नमस्कार, आज 17 मार्च है और हम सब साथियों ने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ फंस चुके हैं और कल रात को हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास में डाल दिया है और अब हमें अपनी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी को बताना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए और ना ही हमारे पास कोई इंडियन एम्बेसी है। भारत सरकार की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है और यहाँ जो हमारे साथ पहले साथी थे उनको 3 साथियों को हमारे पहले गोली लग चुकी है जो हमारे साथ पहले पिछले कैंप में थे और अब यहाँ पर हमारा बचना मुश्किल है। भारत सरकार से हम यही विनती करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, हम सब साथी यूक्रेन में हैं और हम रशिया आर्मी में फंस चुके हैं। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, अब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हमारे पास कोई अपडेट आई है। हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा लिया जाए। हम फ्रंट लाइन पर पिछले 10 दिनों से थे और वहाँ पर 10 दिन की ड्यूटी दे के आए हैं। वहाँ पर आगे बहुत ज्यादा खतरा है, हो सकता है कि अगली बार हम फ्रंट लाइन पर जाए तो हमारी लाशें भी आप सबको ना मिले। हमको 2-3 दिन के रेस्ट के लिए भेजा गया है और फिर हम दोबारा फ्रंट लाइन पे जाएंगे। हम सब साथी भारत सरकार और अपनी इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दिया जाए, वरना हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। नमस्कार, आज 17 मार्च है और हम सब साथियों ने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ फंस चुके हैं और कल रात को हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास में डाल दिया है और अब हमें अपनी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी को बताना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए और ना ही हमारे पास कोई इंडियन एम्बेसी है। भारत सरकार की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है और यहाँ जो हमारे साथ पहले साथी थे उनको 3 साथियों को हमारे पहले गोली लग चुकी है जो हमारे साथ पहले पिछले कैंप में थे और अब यहाँ पर हमारा बचना मुश्किल है। भारत सरकार से हम यही विनती करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार, हम सब साथी यूक्रेन में हैं और हम रशिया आर्मी में फंस चुके हैं। हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था, अब तक हमारी भारत सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही हमारे पास कोई अपडेट आई है। हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा लिया जाए। हम फ्रंट लाइन पर पिछले 10 दिनों से थे और वहाँ पर 10 दिन की ड्यूटी दे के आए हैं। वहाँ पर आगे बहुत ज्यादा खतरा है, हो सकता है कि अगली बार हम फ्रंट लाइन पर जाए तो हमारी लाशें भी आप सबको ना मिले। हमको 2-3 दिन के रेस्ट के लिए भेजा गया है और फिर हम दोबारा फ्रंट लाइन पे जाएंगे। हम सब साथी भारत सरकार और अपनी इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दिया जाए, वरना हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। नमस्कार, आज 17 मार्च है और हम सब साथियों ने अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ फंस चुके हैं और कल रात को हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास में डाल दिया है और अब हमें अपनी भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी को बताना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए और ना ही हमारे पास कोई इंडियन एम्बेसी है। भारत सरकार की तरफ से कोई कॉल या मैसेज आया है और यहाँ जो हमारे साथ पहले साथी थे उनको 3 साथियों को हमारे पहले गोली लग चुकी है जो हमारे साथ पहले पिछले कैंप में थे और अब यहाँ पर हमारा बचना मुश्किल है। भारत सरकार से हम यही विनती करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। धन्यवाद।